And that's Sandeep out there. He's in the water. This is the jungle of Yana. वेलकम बैक टू आर चैनल. तो दोस्तों आज हम यहाँ याना केव्स में आए हैं. याना केव्स एक्चुअली कर्नाटक में स्थित है और यहाँ आने के लिए आपको सागर जो कि जोग फॉल के नज़दीक है, यहाँ आने के लिए आपको वहाँ से कुछ 140 किलोमीटर डिस्टेंस पे लंबा ये याना केव्स. याना केव्स के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ फेमस है, जैसे कि इसका रामायण से भी रिलेशन जोड़ा जाता है. माना जाता है कि यहाँ जो भस्मासुर राक्षस थे उनको यहाँ भस्म किया गया था और उन्हीं का रिजल्ट ये जो हमारे पीछे याना केव्स देखा हुआ है, और उनकी याद में यहाँ एक भस्मेश्वरी का टेंपल बनाया गया है जिसकी पूजा यहाँ के लोकल लोग करते हैं. तो हम आपको वहाँ अंदर ले जाएंगे और फिर ये याना केव्स का निर्माण किस तरह से किया गया है वो सब दिखाएँगे. चलो दोस्तों. सही है. आई डोंट रियली नो, आई डोंट रियली वांट टू कंफर्म दिस विद एनीवन बिकॉज़ दिस इज अ लीजेंड और ये मिथ है. तो फिर भाई मुझे इसका अभी आगे का जो नज़ारा देखोगे आप वो तो काफ़ी
से तो मतलब रियली रियली स्केरी, क्योंकि अभी नीचे जाना है और यहाँ से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से रास्ता है। ओह थैंक गॉड रास्ता आ गया। बहुत डेंजर प्लेस है यार एक्चुअली, बारिश भी बहुत हो रही है इधर, फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ बारिश ज़्यादा रहेगा। हनी बीज होने के कारण ना आदमी को डर लगता है। एग्जैक्टली। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो यहाँ से हमें और नीचे की ओर जाना है।